Hello, good morning students. In this class, we will study about the law of conservation of linear momentum. Last classes में जैसे आप पढ़ चुके हो भाई, जैसे हम laws of motion के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, laws of motion की हम बात कर रहे हैं. और laws of motion की जब हम बात करें तो आप last classes में first law of motion, second law of motion और third law of motion तीनों पढ़ चुके हो आपके पास. फर्स्ट में ये था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन में होगा, जिस भी सिचुएशन में होगा, वो उसी में रहेगा. वो मोमेंट में, जैसे अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा तो उसी में रहेगा, ठीक है. और दूसरा क्या था हमारे पास कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एफ इज इक्वल टू द डीपी बाई डीटी. और तीसरा क्या था भाई कि एवरी रिएक्शन इज देयर फॉर रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन, सॉरी, देयर इज एवरी रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन. हर एक एक्शन के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है भाई, रिएक्शन होता है. जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं तो अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, सेम उसी चीज़ में अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दैट इज द लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बात करेंगे. जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई मोमेंटम होता है क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. किसी भी चीज़ की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. तो अब उसी लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं अब उसके कंजर्वेशन के बारे में. तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट और इक्वल, ठीक है, कब, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. जब किसी तरह की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होती है, उस टाइम पर जो आपके पास जो मोमेंटम होगा, जो आपका रहेगा, वो क्या रहेगा भाई, हमेशा कंजर्व रहेगा. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड का मतलब जो भारी फोर्स लगाई जा रही है अगर वो जीरो है तो उस टाइम पर जो आपका मोमेंटम रहेगा वो भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. जैसे कि आपने कह दिया अभी एक्सटर्नल फोर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या होगा आपके पास, जीरो. अब इसके प्रूफ की बात कर लेता हूँ, हम यहाँ पर इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं भाई. इसका प्रूफ क्या होगा आपके पास, प्रूफ की बात कर लेते हैं. तो प्रूफ में क्या हो गया, मैंने लेकर चला कि बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, क्लियर है. डी पी किसको डिनोट कर रहा है भाई, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम को, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को. और डी टी क्या कर रहा है भाई अपने पास, चेंज इन टाइम, कि कितना टाइम चेंज होने लग रहा है उसी टाइम को आपके पास से करने लग रहा है. तो भाई किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हो, उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो भाई किसी चीज़ का डीपी, इसका मतलब कि फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये एफ फाइनल को डिनोट कर रहा है और आई इनिशियल को, पी इज द मोमेंटम. कि यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, जो पी फाइनल और पी इनिशियल है इसका आपके पास क्या हो गया, चेंज हो गया. अब आपने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया आपके पास जीरो, तो ये एफ क्या भाई, एक्सटर्नल फोर्स तभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा. अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया, जीरो इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी. और आपको पता है कि जो डी पी की जो वैल्यू है दैट इज गिवन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डी टी, की किसके बराबर आ जाएगा भाई, जीरो के. अब इस डी टी को जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल जो क्वान्टिटी बन के आएगी, दैट टोटल क्वान्टिटी इज द पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो भाई, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल. तो ये इसका प्रूफ होता है कि हमारा जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है और जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होता है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बोथ विल बी द सेम, दोनों क्या रहेंगे हमारे पास, सेम रहेंगे, क्लियर है. तो यहाँ पर आपके पास होगा पी फाइनल और पी इनिशियल दोनों क्या से हो गए अपने पास, सेम हो गए. सो यही आपके पास इसका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था.
अब इसके कुछ बेसिक बेसिक जैसे एग्जांपल्स बोलें, आप उसके एलिस्ट्रेशंस बोलें या फिर उसके अप्लीकेशंस बोलें। तो भाई अप्लीकेशंस क्या क्या होंगे इसके, तो इसके जो अप्लीकेशंस होंगे वो अप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। भाई व्हाट आर द अप्लीकेशंस, तो अप्लीकेशंस के लिए जरूर एक चीज़ है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, ये हर कहीं कितने भी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई करें, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास एक, ये आपके पास दूसरा ही है, एक का मास है m1 और एक का मास आपके पास m2, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव करने लग रहे हैं। क्लियर है, ये है कि कोई भी इवेंट है, ठीक है। अब एक घटना घट गई कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, ठीक है भाई, कोई भी इवेंट हैपन हो गया, यहाँ पर कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों फिर से अलग हो गए, इनका मास तो वही रह गया m1 और m2 रह गया मास, लेकिन इनकी वेलोसिटी वेरी हो गई है, इनको मैंने फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 दे दिया। मतलब इसमें किसी इम्पैक्ट से पहले, किसी इवेंट से पहले, किसी हैपन होने से, घटना से पहले इसी कंडीशन, मैंने इनिशियल कंडीशन मान लिया और वो घटना घटने के बाद इस कंडीशन को क्या मान लिया, मैंने फाइनल कंडीशन मान लिया, ठीक है, कि भाई ये मेरी इनिशियल कंडीशन थी और ये मेरी फाइनल कंडीशन थी। अब हम क्या करना है कि भाई सिर्फ देखना आपके पास कि भाई जो कंजर्वेशन है वो कैसे होगा। तो कंजर्वेशन का पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो आप पास ये निकल के आएगा मेल की एम वन यू वन प्लस ऑफ एम टू यू टू, और जो फाइनल निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा भाई एम वन वी वन प्लस ऑफ एम टू वी टू। अब जितने भी ऑब्जेक्ट, अगर इस साइड तीन होते तो तीनों का ऐड हो जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m u m3 u3, और अगर यहाँ पर जितने भी होते दो थे तो मैंने सिर्फ दो का ऐड कर दिया, अगर एक होता तो सिर्फ अकेला रह जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास दो रह गया। अब क्या होगा, कंडीशन आपके पास है, कंडीशन क्या है कि भाई पी फाइनल दैट शुड बी इक्वल टू द पी इनिशियल। इसी कंडीशन के बेसिस पर पहले पुट कर लेते हैं एम वन यू वन प्लस ऑफ एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस ऑफ एम टू वी टू, ये आपके पास क्या हो गया भाई, इसका कंजर्वेशन हो गया। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं या फिर आपके जो अप्लीकेशंस है वो बन जाते हैं। तो जो मैं फर्स्ट अप्लीकेशन लेके चल रहा हूँ, दैट फर्स्ट अप्लीकेशन इज द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्लीकेशन, बार बार आपके क्वेश्चंस में मिल सकता है ये कि भाई क्या होता है, दैट इज़ अ रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। एक गन की जो रिकॉइलिंग होती है भाई, उसकी जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होगी। सो मैं निकाल रहा हूँ आपके पास रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, गन जनरली मैंने मान लिया कि भाई जैसे कि सिंपली आपके पास एक कुछ इस तरह से एक गन है यहाँ पर, ठीक है, ये मान ले भाई, और इधर ये आपके पास एक ट्रिगर लगा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर एक बुलेट है, आपके पास ये बुलेट है। स्टार्टिंग में दोनों के दोनों रेस्ट में, जब तक मैं ट्रिगर को स्विच नहीं करूँगा तब तक ये किस में रहेंगी भाई, रेस्ट में रहेंगी। मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर इस एक साइड को गन लिख देता हूँ और एक साइड को मैंने बुलेट लिख दिया, ठीक है। मास मान रहा हूँ, मास ऑफ गन को मैंने कैपिटल एम से लिखा है और इसको स्मॉल एम से। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी मानों में यू वन और इसकी मानों में यू टू, दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो, क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट में है। फाइनल वेलोसिटी मान लिया कि भाई जब मैंने इसको ट्रिगर को स्विच कर दिया उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी हो गई भाई कैपिटल वी, मान लेता हूँ मैं इसकी, सॉरी वी वन कैपिटल वी हो गया एंड वी टू स्मॉल वी हो गया, दोनों मान लिए। अब क्या करना है भाई, इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि बुलेट को फायर करने के बाद, जैसे मान लो कि बुलेट को बता दिया भाई बुलेट गई है 20 मीटर या 30 मीटर या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको ये बताना होगा भाई इस जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी वो देखेंगे। सो भाई बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने मान लिया बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि जो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनिशियल, इनिशियल की वैल्यू क्या होगी भाई, भाई इनिशियल आपके पास आपने देखा था m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2, मास इसका ये हो गया इसका ये, दोनों का कम्बिनेशन करेंगे जीरो प्लस जीरो, ठीक है। चलो मैं वैसे कर देता हूँ कि भाई आपके पास होगा m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2,
आप यहाँ पर दो m1 की वैल्यू तो m हो गई है इंटू ज़ीरो और ये स्मॉल m इंटू ज़ीरो तो टोटल क्या हो गया आपके पास ज़ीरो। फाइनल की बात कर लेते हैं हम तो फाइनल में हो जाएगा m1 v1 एंड m2 v2। फाइनल में आपके पास हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल V स्मॉल m स्मॉल V हो गया। अप्लीकेशन कर आप उसको अप्लाई करेंगे P फाइनल P इनिशियल को तो भैया आपके पास हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस कैपिटल एम वी। यहाँ पर आपको कैपिटल V निकालना है बाकी वो आप एक साइड कर देंगे एम वी अपॉन कैपिटल M। ये आपके पास निकल के आ गया भाई वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर एक नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन किसका है और क्या शो करता है ये जो नेगेटिव साइन है ना ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता देता है कि क्योंकि यहाँ पर मास टू स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी आपके पास है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा भाई गन जाएगा। तो जो नेगेटिव साइन है दैट टेल्स अबाउट ओनली डायरेक्शन डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होता है कि बुलेट और गन एक डायरेक्शन में जाते लेकिन यहाँ पर क्या है कि फायर होने के बाद जो बुलेट है वो आगे की तरफ जा रही है तो गन क्या होगी वो पीछे की तरफ मतलब कि दोनों केस में जाएंगे भैया अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन में क्या होगा क्वेश्चन में आपको किन में से कोई भी तीन क्वांटिटी गिवन होंगी भाई कहते हैं वेलोसिटी दे रखी है मास पूछ ले या मास दे रखी है तो वेलोसिटी पूछ सकते हैं तो कोई भी क्वांटिटी गिवन हो आप उसमें यहाँ पर पुट करो और सॉल्व करो ठीक है। ये था दूसरा एग्जाम्पल इसका भाई रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन का मतलब कि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है जो भी रॉकेट लॉन्चर होता है उसको लॉन्च किया जाता है तो आपने देखा होगा भाई रॉकेट जब लॉन्च होता है तो नीचे की तरफ बहुत ही हैवी अमाउंट में वो एक धुआं छोड़ता है स्मोक करता है जैसे कि आपके पास यहाँ पर हो गया जिस तरह से मान लिया कि मैंने भाई ये हो गया आपके पास है ठीक है यहाँ से कुछ इस तरह से क्लियर। जब ये ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है कब उड़ता है तब वो नीचे हैवी प्रेशर अप्लाई कर देता है जो गैसेस निकल के आ रही हैं वो क्या करेंगे बहुत हैवी प्रेशर नीचे लगाएंगे उस नीचे की से ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया जितना मोमेंटम उसका इनिशियल होगा फाइनल भी क्या होगा उसका उतना ही रहेगा मतलब कि जितना फोर्स वो नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स वो ऊपर जाने के लिए लगाएगा ठीक है। तो मतलब जितना मोमेंटम उसका नीचे लगेगा उतना ही मोमेंटम उसका अपर डायरेक्शन में या मैं कहूँ जितना मोमेंटम उसका इनिशियली जब वो रेस्ट में खड़ा था तब था उतना ही मोमेंटम उसका तब होगा जब वो मोशन में आएगा क्योंकि इसकी गैसेस की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी तो रॉकेट क्या जाएगा भाई ऊपर की तरफ। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई रॉकेट प्रोपल्शन ये जो हम रॉकेट प्रोपल्शन की बात कर रहे हैं आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन किस चीज का एग्जाम्पल है या किसका अप्लीकेशन है तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो अप्लीकेशन है वो किसका है आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन का आपके पास या फिर आप ये भी कह सकते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी होता है क्योंकि उसमें क्या होता है नीचे फोर्स एग्जर्ट होती है तभी वो क्या होता है अपोजिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट होती है तब ऊपर की तरफ जाता है ठीक है। इसी के साथ दूसरा होता है बैलून तो देखा ही होगा आपके पास। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ आपके पास ये जो बैलून होता है ना बैलून में देखा होगा कि भाई इनिशियली मान लो आपने बैलून में यहाँ पर रखी है तो कुछ इस तरह का बैलून होता है वो लेकिन जैसे ही आप इसके बाद आपने फेस को टाइट किया हुआ होल्ड किया हुआ है जब तक तो हवा भरी हुई है लेकिन जैसे आपने इस बैलून के फेस को रिमूव कर दिया यहाँ से आपने उंगलियाँ हटा ली या फिर इसको ओपन कर दिया तो क्या होगा कि जब इसमें से हवा निकलने स्टार्ट होगी तो बैलून का मोशन क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में एयर निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बैलून मूव करना स्टार्ट करेगा वो भी सेम उसी का एग्जाम्पल है जो मैंने अभी रिकॉइलिंग ऑफ गन बताया क्योंकि इसमें क्या होगा कि एयर की वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मान लो कि एयर इधर जाने लग रही है तो बैलून क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द आवर चैप्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की दैट्स ऑल थैंक यू।